Now next one again, what is the output of given case? इस केस में अगेन आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ओनली दैट टर्म्स, बिकॉज इस केस में रेज क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर रीजन. जस्ट मैंने इस पर्टिकुलर केस में एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है m परसेंट ऑफ i प्लस प्लस. टोटल इस एक्सप्रेशन में टोटल ऑपरेटर्स कितने अप्लाई हुए, देर आर टू ऑपरेटर्स, एड्रेस एट ऑपरेटर प्लस प्लस. दोनों ही केसेस में अगर प्रायोरिटी वाइज बात करें, दोनों की प्रायोरिटी कैसे रहते हैं, ऑलवेज सेम प्रायोरिटी बिकॉज बोथ आर यूनरी ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में प्रायोरिटी को जस्ट कंट्रोल किया बाय यूजिंग ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले अप्लाई किया हुआ एड्रेस एट ऑपरेटर, और एड्रेस एट ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न क्या करता है, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, सम मेमोरी एड्रेस ऑफ आई. और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसा होता है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट. देन एड्रेस में इंक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं, देन रेज क्या हुआ इसके इसमें कंपाइल टाइम एरर. इस एड्रेसेस को या किसी भी से एड्रेस क्या, वन टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स को कभी भी इंक्रीज कराना पॉसिबल. मीन्स प्लस प्लस के लिए जस्ट रूल क्या था, प्लस प्लस ऑपरेटर ओनली वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल, नॉट फॉर एड्रेस और वैल्यूज. इसे एड्रेस के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन वेरिएबल्स के फॉर्म, नॉट डायरेक्टली. क्लियर?